हेलो एवरीवन वेलकम टू इनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य मैं मृत्युंजय कुमार आपका केमिस्ट्री फैकल्टी आज आपके साथ पॉलीमर चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है हमारी मॉडर्न लाइफ में हमारी जो लाइफ है इस इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अगर हम अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखें तो पॉलीमर्स ओके okay, हम इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं किसी न किसी रूप में हम इसे इस्तेमाल करते ही रहते हैं तो एक बहुत ही यूनिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं ओके okay, ये चैप्टर जनरली लोग पढ़ते कम है बट अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करो तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल अपना हो सकता है और 100 परसेंट मार्क्स आपको रिटर्न कर सकता है आपके एग्जामिनेशन में तो बच्चे लोग क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है पहले तो कंफर्म कीजिए फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस डिस्कशन को और जो पॉलीमर पे बेस्ड होगा और धीरे धीरे हम एक कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को इस हिसाब से देखेंगे ताकि जो बुक में जो हमारे एनसीआर में जिस तरह के इंफॉर्मेशन को दिया गया है उसको हम विड्रॉ करना सीखें और उसको मैक्सिमम आउटपुट देना हम सीखें सो so बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसे चल रही है और इसी सीरीज में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीमर चैप्टर को ओके सो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सो so बच्चे लोग प्लीज़ बताइएगा और जितने भी लोग प्रजेंट हैं अपना अटेंडेंस के लिए जरूर लाइक करके अटेंडेंस दर्ज कीजिए ओके सो प्लीज़ लाइक द सेशन और अगर पॉसिबल है तो इसे शेयर कर दीजिए ओके okay बच्चे लोग सो so क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिएगा ओके okay. सो so, हम अपना आगे का डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं और एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक है ये सो लेट्स सी कैसे बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं और सेशन शुरू करने के पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है आपको पता है ये इस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है इस साल ओके okay. तो बच्चे लोग अगर कोई बच्चा या आप आपके दोस्त आपके पड़ोस में कोई भी बच्चा अगर किसी भी तरह का कोर्स कोई मॉड्यूल अगर इसको करना चाहता है तो अगर अभी लर्न को तो खुद रेफर कर सकते हैं किसी बच्चे को जरूरतमंद को ओके? So, स्टार्ट करते हैं रेडी बच्चा लोग पहले क्वेश्चन के लिए सब लोग रेडी है बताइए एक बार ठीक है चलिए और थोड़ा इंटरेक्ट करते रहिएगा ताकि इससे हमें और बताने में भी मजा आता रहे, ठीक है तो आज ऐसा मत समझिएगा कि क्वेश्चन तो रैंडम, है अच्छा ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है रैंडम डिलीट कहां से डिलीट हुआ है प्लीज बताइए आप डिलीटेड सिलेबस बोर्ड्स की बात कर रहे हैं ओके सो so, कितने लोगों ने इस पे यूट्यूब पे सेशन लिया है यस uh, रैंडम yes. क्या एनटीए ने डिलीट किया है बताइए ओके क्वेश्चन कौन सेट करता है एनटीए ओके okay. कोई बात नहीं कोई बात नहीं और अगर आ गया तो क्या करोगे ठीक है बोर्ड्स के लिए किया गया है अगर इतना परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होता तो एनटीए पहले ही इस चीज को कह दिया होता ठीक है सो लेट सी स्टार्ट करें इज न्यू नो चैप्टर प्रिंटेड ओके रैंडम ओके चलिए ठीक है बहुत छोटा सा टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करते हैं टडी फ्रॉम एन सी आर टी में है ओके okay. चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं ओके बच्चा लो सो बहुत इजी सा टॉपिक है हो सकता है आपको इसके कई सारे अदर एप्लीकेशन फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाए और बहुत रिसेंटली इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है सो so, नीट टू जीरो टू जीरो विच यू फॉलोइंगल पॉलीमर ओके okay. सर uh, so, इन्फिनी लर्न पर लाइव है या यूट्यूब पे इन्फिनी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे लाइव है बच्चा ओके okay. ओके ओके रैंडम तो देखते हैं एक बार क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ठीक है चलिए एनटीए के सिलेबस का सिलेबस देखा है रैंडम ठीक है और ऐसा अगर कोई डिटेल होगा मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता इस पर अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा ठीक है मैं कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगा ठीक डील डन चलिए एफ गेमिंग देखिए ओके रैंडम अगर आप इसको अगर देखोगे तो अभी आपको पढ़ने का तरीका भी समझ में आएगा मैं किसी क्वेश्चंस को जब लेकर आता हूं तो यह नहीं कि मैं इसका आंसर रटवाने आया हूं। आप पढ़ने का तरीका अक्सर नहीं रखता है आज तो मैं क्वेश्चन किया हूं अभी आपको दिखाता हूं ठीक है अच्छा समझ में आएगा तो दीपू रतलामी ने कहा है ट्रिपल ए। okay, वो इतना है कि ए तीन बार कह दिया रैंडम क्या होगा देखो एनसीआर को जब आप पढ़ोगे लास्ट के पैराग्राफ में एक बहुत मस्त लाइन लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ बच्चा देखिएगा नेचुरल रबर और आप यही नहीं इंपॉर्टेंस देखिए कितना माइन्यूट स्टडी करना होता है क्या लिखा हुआ है आप इसको रैंडम आपके मैं इस इंफॉर्मेशन की कद्र करता हूं बट इस इंटेंशन को समझ के एक बार सीख लीजिए ठीक है यहां पे क्या लिखा हुआ है सिस सिस सो नेचुरल रबर इज देखो ये क्वेश्चन एक बार आया दीपुरी बच्चे इसको पढ़ गए आप जैसे बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर किया एक बार क्या कर दिया वो ये पूछ दिया कि सीसे की ट्रांस कैन यू बिलीव दिस ओके ये तक भी क्वेश्चन आया है तो छोटे छोटे आपको आपको इंफॉर्मेशन निकालना होगा खुद से एनालाइज करना होगा जिस बच्चे को क्वेश्चन खुद से बनाकर पढ़ना आ गया तो मैं आगे आज तो मैं पहली बार आपसे इस चैप्टर पर बात कर रहा हूं तो आगे अगर मैं मिला इस चैप्टर पे तो मैं इस चैप्टर के प्रीवाई क्यों नहीं मैं खुद से क्वेश्चन फ्रेम करके लाऊंगा कि लाइन बाय लाइन कैसे बनाता हूं ओके चलिए तो इसका आंसर तो आपने बहुत सही कहा ओके छोटी छोटी बातों पर क्वेश्चन किया जाता है सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल आजकल पूरी रेस किस पे है आप खुद सोचिए ओके विशाल कुमार हेलो बिग ओके कैसे हैं विशाल कुमार सो दीपू रतलामी एफए गेमिंग ओके मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं एक भी क्वेश्चन एनसीआरटी के बाहर नहीं है सो so, विशाल ने कहा डी नाइलोन सिक्स आपको कुछ मजेदार बातें बताता हूं क्योंकि इंडस्ट्रियल टॉपिक है आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल की कंपनी जो है वो कौन सी है ड्यूपॉन्ट किसी ने नाम सुना है ड्यूपॉन्ट आप सर्च करना बहुत बड़ी कंपनी है उसका बहुत बड़ा नाम है ड्यूपॉन्ट तो आप देखते हो स्ट्रेचेबल फैब्रिक कितने लोग जींस पहनते हो तो वो बनाती है लाइकरा क्या बनाती है बच्चा लोग लाइकरा

साफिया हमीद हाय सर काइंडली अच्छे सेलिब्रेट कीजिएगा मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ वीडियो ओके okay, साफिया आज मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं और आज आप पहली बार मुलाकात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो मैं कम पढ़ा रहा हूं बट क्वेश्चंस पढ़ाकर आपको एनसीईआरटी से मर्ज करवा रहा हूं ताकि आपको पढ़ना कैसा एनालिटिकल स्किल डेवलप करा रहा हूं ठीक है क्योंकि अच्छा अब आप हमारी आपकी दोस्ती लंबी मुलाकात मतलब दोस्ती बन जाए केमिस्ट्री के लिए तो हम क्या करेंगे फिर हम रेगुलर कॉन्सेप्ट पर ले जाएंगे ठीक है साफिया आपकी मैं उम्मीद की सराहना करता हूं so, किसी को ये पता है लॉजिक आपको एक यूनिक बात बताता हूं नाइलोन टू नाइलोन सिक्स पता है ये, क्या होता? ये दिखाता है. ओके मेरा कल ही एडमिशन हुआ है गेमिंग ठीक है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मोनोमर क्या होता है बच्चा लोग मोनोमर जैसे इस नाइलोन सिक्स सिक्स में दो बार सिक्स है इसका मतलब इसमें दो मोनोमर हैं और दोनों में छे कार्बन है इसमें एक में दो कार्बन है एक में कार्बन है इसमें एक ही मोनोमर है और उसमें कार्बन है कितने लोगों को पहले पता था तो यहां देखिए बच्चा लोग नाइलोन टू नाइलोन सिक्स ये एनसीआरटी में लिखा हुआ है ठीक है और ये क्या होता है बच्चा लोग बायोडिग्रेडेबल होता है क्या होता है बायोडिग्रेडेबल देखिए एक बार काउंट कीजिए पहला कार्बन ये रहा दूसरा कार्बन ओके इसमें आइए ये रहा पांच कार्बन एक छे कार्बन कितने कार्बन है एक मोनोमर में दो और एक मोनोमर में छे इसको टू सिक्स कहा जाता है इज okay? okay? तो ये सिक्स सिक्स उसी का नाम होता है जो उसके मोनोम है उसमें कितने कार्बन एटम है इस पर डिपेंड करता है इथलिन डाइमिन एंड एडिपिक एसिड ओके विशाल कुमार ये बहुत इंटरेस्टिंग है मैं इसमें एक शॉर्ट भी बनाया था ओके सर एक बार और कंचन गुप्ता इस क्वेश्चन में देखो एनसीआरटी का स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है देखिए क्वेश्चन कहां से बनाया जाता है नाइलोन टू नाइलोन सिक्स इसका मोनोमर क्या है जरा गौर कीजिएगा एक है एस टू एन सी एस टू दिस इज सी ओ एच ओके इसमें कितने कार्बन है एक और दो इसको ग्लाइसिन बोलते हैं दूसरा क्या होता है बच्चा दूसरा होता है कैप्रियोइक एसिड, एंड दिस और इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका नाइलोन टू नाइलोन सिक्स ओके जी सर नहीं पता था ओके साफिया देखिए पहले में कितने कार्बन है एक और दो, दो कार्बन है दूसरे में कितना है कार्बन ये पांच है ना तो पांच कार्बन और एक कार्बन छ इसीलिए इस नाइलोन टू -सिक्स, ओके और इसी तरह से मोनोबर में एडिपिक एसिड और डायमीन ओके सो तो आप देखिएगा इसके मोनोमर में दोनों में छे, -छे कार्बन होगा मजा आया और इसमें क्या होता है कैप्रोलेक्टम सो तो एकक रहता है तो बहुत इंटरेस्टिंग है ओके बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो क्या बहुत बढ़िया एफ ए गेमिंग अभिनंदन मुखर्जी कैप्रोलेक्टम सिक्स में होता है ग्रेट

आप जींस आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा ठीक है एक रिलिक्स को आप जानते हो ना तो मैं आपको बताऊंगा बी दीपुरानी कह रहे हैं बी देखिए कितना बढ़िया सवाल है अभी अभी जस्ट पढ़ा आपने मैं इस क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छा किया हूं इस क्वेश्चन को अभी मेंस में आया जे मेंस में 2012 अभी एक क्वेश्चन किया था 2019 क्या दोनों में कोई अंतर है क्या अगर कोई बच्चा डिटेल में गया तो कर लेगा सारे अच्छे बच्चे बोल रहे हैं बी देखिए तो ये क्या है वन कार्बन टू साफिया बायोडिग्रेडेबल है जो समय के साथ क्या हो जाएगा डिग्रेड कर जाएगा जो पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा अब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एनसीआर खोले और ये चेक करे कि इसके अलावा कौन कौन सा आपका मुझे लंबा टाइम लगेगा उसके लिए कम से कम तो मिनिमम चाहिए तो यू ही मिलता रहूंगा ठीक है कोई डाउट कोई मेजर डाउट ठीक है बच्चा लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग ठीक है और समय बचेगा तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी कर लेंगे आगे बढ़ते हैं ठीक है ये यहीं से क्वेश्चन आया था दिस इज ग्लाइसिन कैल के क्या पूछेगा यहाँ पे ये नाम था यहाँ पे ग्लाइसिन लिख देगा और यहाँ पेड लिख देगा तो आपको ना वर्जन क्लियर करने आना चाहिए आगे बढ़ते ओके, सो ये देखो अब दूसरा मैंने क्या है आपके सिलेबस में पीएचबीवी है पीएचबीवी ओके सो पोलीबीटाहाइड्रोक्सीब्यूटोरेट को ओके इसको भी आप बायोडिग्रेडेबल कहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बचती है सर कब से टॉपिक स्टार्ट होगा एफ ए गेमिंग यहां पर हम कर लेंगे बच्चा डेली टॉपिक ही करते थे एक दिन पहले ही मैंने थर्मो केमिस्ट्री किया आपके सिलेबस पे ठीक है और डिटेल में चले जाएंगे घबराइए नहीं अब ये बताओ टेरेलीन बड़ा मस्त है भाई, इसे पॉलीमर इस पे मैं आपको बताता हूं आइडिया पता है ज्यादातर क्या होता आप एक सच्चाई सुनना ज्यादातर इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं नहीं विशाल स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है बच्चों स्ट्रक्चर रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ठीक है देखो जब आपका ऑर्गेनिक अच्छा हो जाएगा ना तो क्या है थ्री हाइड्रोक्सी कहोगे ओ हो हो मतलब कि एक कार्बन दो कार्बन तीन और चार क्योंकि आगे क्या है ओइक एसिड ओइक एसिड आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि नहीं कि सबसे सीनियर होता है जहां से लग गया नंबरिंग वहीं से होगी तो एक दो तीन तीसरे पे हाइड्रोक्सी हो गया ओके okay, एसिड और यहां क्या है थ्री हाइड्रोक्सी पेंटनोई एसिड दो तीन चार पांच दोनों को मिला दीजिए बन गया आपका ठीक है तो आप धीरे धीरे जब इसको स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी ठीक है तो आप ऐसे रटने की जरूरत नहीं है आप कॉन्सेप्चुअली धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो आपको चीजें याद होता चला जाएगा ठीक है इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है आप देखो एक साइड क्या है दोनों साइड दो दो कार्बन चेन में रहेगा और एक सी डबल आप इसको लॉजिकली देखोगे तो आगे क्लियर हो जाएगा इसको बताइए क्या आंसर होगा ये बहुत मस्त चीज है बहुत बढ़िया है और आपको मैं कुछ इसके बारे में बताऊंगा भी आगे। एक बहुत कॉमर बहुत सुपरहिट कॉमर्शियल प्रोडक्ट है ओके okay, क्या आंसर होगा okay, दीपू रानी ने कहा सॉरी दीपू रतलामी मैं रानी बोले ओके सो लोग डी डी ओके okay. अच्छा ये बहुत मजेदार है आपको पता है पॉलिस्टर का ये सब वर्जन है आपको पता है कि नहीं सर मैं अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ रही हूं कोई बात नहीं फे गेमिंग कोई इश्यू नहीं है आप यहां पे पढ़ने का तरीका देख रहे हो ठीक है मैं आपको इसीलिए मैं सिर्फ आंसर नहीं करा रहा एनसीआरटी का तरीके ढूंढ कर लाया हूं देखो सबको पता है कि नहीं पॉलिस्टर होता है पता है आपको अच्छा पॉलिस्टर तो केमिकल होता है सबको पता है ये मिलाओगे ये मिलाओगे तो ये बनेगा अब मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्री है रिलायंस है बहुत सारी कंपनी है तो हर एक कोई एक नाम से तो बेच नहीं सकता तो कोई पॉलिस्टर का नाम रखता है डेकरोन कोई नाम रखता है रेक्रोन, ओके okay, जैसे रिलायंस नाम रखती रेक्रोन, रेकरोन सेल मैनी ओके सो टेरिलिन इज ए पॉलिस्टर टेरिलिन इज ए पॉलीमर सो दिस क्वेश्चन वॉन्ट्स टू नो विच इज द मोनोमर वन इज इथिलीन ग्लाइकोल एंड वट वॉज द सेकेंड कैन एनी आंसर

तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो एडिशन बोलते हैं ओके okay, तो जब चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये सबको विशाल रेक्रोन डेक्रोन ये सारे के सारे किसके नाम है पॉलिस्टर के नाम है और ये कंपनी वाइज ब्रांड वाइज अलग अलग होता है ठीक है बहुत बढ़िया सो देखिए एनसीआरटी कैसे लिखा है ऑब्जर्वेशन तेज चाहिए हो सकता है कोई टीचर कितना भी पढ़ा दे आप गलती कर जाओगे और ये सब चीजें एक दिन में याद नहीं होती यू विल रिवाइज ओके हो गया आंसर। कैसा लगा सो दिस इज कॉल्ड और टेरिलीन ओके मजेदार है मजेदार है बच्चा और ओके एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन एन एन इज द नंबर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये तो मतलब क्या मैं बोलू सर और में आ, क्या फर्क है? तो, अरे साफिया क्यों confused हो रहे आइसोमर एक अलग चीज है ठीक है पोलीमर एक अलग चीज है पॉलीमर मींस एक जैसे कई चीजों का जुड़ जाना आइसोमर तो मतलब कैसे मैं बोलू आपको ठीक है ठीक है बताता हूं चलिए ठीक है आप अलग अलग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं साफिया ठीक है ठीक है आते हैं रैंडम ने कहा बी बताइए विच वन ऑफ़ फॉलोइंग इज़ टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर ये आप ना कई बार दुकान में जब जाते हो तो वहां लिखा हुआ देखते हैं साफिया हमीद इसका आंसर बताइए ठीक है इसका आंसर बताइए आप इजिली वे में इसका आंसर कर सकते हैं ओके बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कर देंगे ठीक है बताइए ओके, ने ने कहा विशाल ने कहा बी, बी। विशाल अरे टेफ्लोन, साफ़ी आप क्वेश्चन मैं आपका करूंगा आंसर घबराइए नहीं आइसोमर सब जानते हैं आइसोमर्स, तो एक आइसोमर को दूसरे में बदलना है इसको आइसोमेराइजेशन अब पोलिमेराइजेशन क्या है साइंस में

आइसोपेंटेन दूसरे कार्बन पर और ये क्या हो गया नियोपेंटेन हो गया ठीक है इज 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 ओके ओके दिस 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 कॉल्ड 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 नॉर्मल पेंटेन एंड क्या ही है इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं ओके द बेकेलाइट अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है सो so बताइए विशाल कुमार द बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अब देखो ये सब बहुत यूनिक क्वेश्चन है आप एक बार सपोज आज, आज आपका कोई टीचर पढ़ा रहा है आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया और आपको समझ में भी आ गया तो जरूरी नहीं कि आपको याद रहेगा कुछ दिन में आप भूल जाओगे जरूर भूल जाओगे तो आपको सब बार बार रिवाइज करना होगा सो इज कॉल्ड बेकेलाइट बेकेलाइट का इस्तेमाल बहुत तगड़ा है ठीक है फॉर्मल डिहाइड आपके एक दोस्त बोल रहे हैं मरियम फाहेबा ठीक है बहुत अच्छा पढ़ के रखे हुए गेमिंग ने कहा ए विशाल ने कहा ए ठीक है विशाल कुमार ए देखते हैं बच्चा क्या आंसर आता है मैं इसमें टाइम कब लूंगा देखिए फिनोल प्लस फॉर्मल करेगा यह स्ट्रक्चर पूछ लेगा और पूछेगा कौन सा है कुछ भी पूछ सकता है रिवर्स भी पूछ सकता है ओके ओके बच्चा लो चलिए इसका यूज बहुत फेमस है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है ठीक है चलिए अब ये देखो ये क्वेश्चन सेम है कि नहीं बताइए एवरीवन रैंडम इसको बताइए क्वेश्चन सेम है नहीं? Cf2, Cf2 कि नहीं सी एफ टू सी एफ टू इज मोनोर इतने अच्छा एक बात बताओ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इंजॉय करोगे कि आपके लिए परेशानी है कट ऑफ कम हो जाए बढ़ जाएगा मुझे लगता है ना कि ऐसे क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए ठीक है साफिया हमीद अच्छा बोल रहे हैं ठीक है क्या लगता है आपको आप क्या उम्मीद करते हो क्वेश्चन इजी आना चाहिए या थोड़ा अच्छे लेवल पे आना चाहिए जरा बताइए तो आप क्या चाहते हो जब जिस साल आप आ, आप नीट दो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो अभिनंदन मुखर्जी ओके okay. विशाल ने कहा सी ओके जरा बताइए यस यस इसका कोई है नहीं अभी डिस्कस किया इज द राइट आंसर आंसर कैन क्या इसका राइट right अप्रोच होगा अभिनंदन मुखर्जी इजी क्वेश्चन था बिल्कुल आप क्या चाहते हो जब आप जिस साल एंटी मेन आप जो भी पेपर दोगे मंजू क्या चाहते हो इजी क्वेश्चन आए पता होता क्या है थोड़ा अच्छे लेवल पे पढ़ने ए, लेवल पे आना चाहिए एंड मीडियम यस पता नहीं मिड, लेवल कोई भी हो क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए थोड़ा ट्रिक होना चाहिए ओके okay. पता ऐसे क्वेश्चन से क्या होता है आजकल देख रहे हो ना सेवन हंड्रेड के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं अरे सेवन ट्वेंटी पे लोग आ जा रहे हैं ठीक है आप समझ रहे हो ना इससे क्या होता है प्रॉब्लम होती फिर कट ऑफ में सोचो कितना बुरा लगेगा आपका सात सौ पंद्रह नंबर है किसी और का भी सात सौ पंद्रह अब सात सौ पंद्रह पे दस लोग और हैं तो मतलब इजी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पूछने का तरीका होना चाहिए कभी भी टफ नाम टफ पूछिए बट ट्रिकी पूछिए ओके जैसे इसी में पूछ दिया कि बेके लाइट में कितने रिंग्स होते हैं तो आंसर क्या हो गया दो इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन ठीक है अगर मुझे इस पर कोई क्वेश्चन बनाने बोले तो मैंने पूछ दू इसके एक रिपीटिंग यूनिट में कितने रिंग होते हैं कैसा लगा क्वेश्चन जरा बताइए तो 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 ये मान लो इसका एक यूनिट है तो इसमें कितने रिंग हुए क्वेश्चन आप आप का। so, काफी इजी हो बट ट्रिकी हो जरूरी नहीं हो कि लेंदी पूछे जाए इससे से कितने सारे क्वेश्चन अभी आपको पूछे जा सकते हैं कितने सारे यस साफ ये लॉजिकल हो मतलब आपकी सोच अगड़ी है

मैं एक टीचर हूं मैं बड़ी बातें बोल रहे हैं आप ठीक है और मैं इस चीज को उतना मैं करता क्या हूं इसीलिए आज, आज आपके सामने मैं एन टी मैं, मैं मेडिकल के क्वेश्चन लाया हूं मेरी ये खूबी भी है मैं एनटीए के जैसे एनसीईआरटी के लाइन को तोड़कर बहुत सारे नए क्वेश्चंस बनाता हूं ठीक है तो आज तो हमारी साथ पहली मुलाकात है ना ठीक है तो आप रेगुलर बने रहिए और हम देखिएगा आपको मैं न्यू क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस कराऊंगा तो आंसर क्या था बच्चा लोग इसका था ए ठीक है अब ये बताइए नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ सोचे इतने इजी एग्जाम में आ रहे हैं कैन यू बिलीव दिस और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अभी अभी जस्ट जस्ट पढ़ा पढ़ा है पढ़ा है सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेडिकल में नेचुरल रबर पे ही आया है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा विशाल रैंडम डी आई सुप्रीन देखिए कैन यू अच्छा एक बात बताओ आ, मैं एक चैप्टर क्यों करवाया क्यों लेकर आया विशाल आप बताइएगा देखो यहां पर क्या होता है ना कई बच्चे ये सोचते हैं कई चैप्टर को छोड़ देते हैं तो मेरा ये कहना है कि स्ट्रेटजी सीख लो अच्छा कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका कुछ चैप्टर काफी अच्छा है और कुछ चैप्टर काफी खराब है कितने बच्चों को ऐसा फील होता है पहले बताओ एक मस्त आपको एंगल देता हूं आपको ठीक है आप कितने बच्चे ऐसे है हाँ बिल्कुल आंसर अरे आंसर तो आप बिल्कुल ऐसे ही आई सुप्रीन है भाई उसमें आप आप पे मुझे डाउट ही नहीं है कितने बच्चों को ऐसा लगता है एनसीआर बुक्स में हाँ मंजू

कि जो चैप्टर अच्छा है उसको बहुत अच्छा कर लो और जो चैप्टर खराब है उसे छोड़ दो यह भी बता दो कितने लोगों को दिल से ऐसा सजेशन मिला है तो बच्चा लोग मेडिकल की खूबी क्या है मेडिकल एग्जाम्स में क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ नहीं है कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना होता है तो सबसे पहले चैप्टर को कभी मत छोड़ना आप कितना अच्छा आंसर कर रहे हो कई बच्चे तो कह रहे हैं कि सर हम पहले नहीं पढ़े फिर भी आंसर कर दे रहे हैं तो बच्चा लोग किसी भी चैप्टर को इग्नोर मत करो अगर कोई चैप्टर आपका पुअर है ओके यस अभिनंदन अगर कोई चैप्टर आपका पुअर लगता है मान लो तो कुछ नहीं तो पीवाई क्यू और कम से कम एनसीआर पढ़ लो ओके कम से कम समय में एटलीस्ट इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो छूटने की गलती डर दुख नहीं होगा और अच्छा क्वेश्चन आया तो सबका छूटेगा इसलिए कभी भी किसी टॉपिक को मेडिकल की तैयारी में मत छोड़ना ठीक है बिल्कुल मत छोड़ना एक्यूरेसी इंपॉर्टेंस है आप देख रहे हो ना ये कोई बच्चा एक घंटे में भी अगर रट गया तो जाकर बना लेगा तो पूरा स्ट्रेटिकली आप एग्जाम में जाइए ठीक है अगर ये जेई एडवांस का पेपर होता तो अलग सजेशन होता है बट आपके एग्जाम में कभी भी किसी टॉपिक को मत छोड़ना ओके पॉलीमर चैप्टर का okay, पीडीएफ मंजू okay, देखो इतना अगर आसान होता ना सब लोग चैलेंज करते हैं कि देखो मैं एनसीआर लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं लाइन बाय लाइन तो लाइन बाय लाइन तो आपके सामने भी रखा हुआ है

स, आ, लिस्ट बना लो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन कौन से वीक है अभी टाइम है बहुत है वीक कुड बी यस रैंडम बिल्कुल पता है कुछ भी इजी और हार्ड नहीं होता ओके जो समझ में आ जाए इजी है जो ना समझ में आए हार्ड ओके तो पढ़ो ऐसा कि सभी सब लगने लगे इजी देखो बच्चा एक मैं प्रो क्वेश्चन पूछता हूं जनरली किसी भी स्पीसी से जब इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो एनर्जी हमेशा देना होता है इंडोथर्मिक होता है जनरली बच्चा ये पढ़ लेता है कि किसी स्पीसीज में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक्स माइनस बनेगा और डेल्टा एच जनरली लेस देन जीरो होता है और यह भी पढ़ लेते हैं कि सपोज नियोन में नहीं होगा नियोन में एनर्जी देना पड़ता है उल्टा है ना तो एक बात बताओ इनमें से मैं पूछ रहा हूं विच प्रोसेस इज विच प्रोसेस इज इंडो इन नेचर ओके इंडो थर्मिक इन नेचर आपको लगेगा कितना इजी सवाल है देखो मैं आपके सामने बना रहा हूं ऑप्शन ए एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है ठीक है ये तो आपको पता ही है न्यून में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इंडोथर्मिक होगा कि नहीं सब गैसियस है सीजीएम ओके सीजीएम माइनस सी क्लोरीन प्लस वन इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म सी माइनस ऑप्शन डी हाइड्रोजन अब बताइए अब कई बच्चा को दुख हो जाएगा कई बच्चों को दुख होगा कि सर ये क्या क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन ये है सर ये रबर टू रबर टू प्रोसेस्ड है इसको नेचुरल क्यों बोल रहे ओके okay, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना साफिया उसको स्टडी करके बोला गया है ठीक है साफिया उसको स्टडी करके बोला गया है उसमें इस तरह के पदार्थ उसमें इस तरह के हैं बताइए कौन कौन से प्रोसेस इंडोथर्मिक होंगे साफिया के एक चीज बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत सही है ओके okay, कौन कौन सा प्रोसेस है बताना मतलब जिसको एनर्जी देना पड़ेगा ठीक है सबने पढ़ा विशाल ने कहा ए डी मैं नोट कर लेता हूं ठीक है ए डी सारे बच्चे कह रहे हैं ए एंड ओके मुझे ऑल आर इंडोथर्मिक लो एक बच्चे ने तो ए बी सी डी कह दिया जनरली देखो सब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ठीक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बचाओ ए एंड बी

बी में क्या होगा बताइए जनरली इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे एनर्जी निकलता है कुछ केस को छोड़कर जिसमें एक तो ग्रुप एट अठारह हो गया अब बताओ सीजियम सीजियम तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है इसको इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रहती है कोई आ जाओ इलेक्ट्रॉन हमारा ले जाओ है ना सबसे ज्यादा आयनिक नेचर इसका है तो बताइए इसको एनर्जी देना पड़ेगा या या इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगा एवरीवन बी में किसको किसको कंफ्यूजन है एफ ए गेमिंग ने ईमानदारी से लिख दिया भी तो ज्यादातर लोग भावना में यहां बह जाते हैं एवरी वन प्लीज बताइए बताइए ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे खूब पूछूंगा ठीक है अब ये देखो मैंने न्यू फ्रेम कर दिया ये आप नहीं ज, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे ठीक है अभिनंदन अंबिका दीपू रेडम विशाल एफी गेमिंग प्लीज सभी लोग बताइए क्या होगा सीजीएम तो ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि सीजियम तो मेटल है इसका आयोनाइजेशन कम होता है ये सीजियम प्लस बनाना चाहता है हाउ दिस कैन फॉर्म ए बी डी आई एम चेंजिंग ओके रैंडम नो प्रॉब्लम ठीक है सो सबको लगता है ये तो सीजियम 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 प्लस बनाता है ये इतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है यानी कि इलेक्ट्रॉन देने पे तब भावना में बह गए ये निगेट सिर्फ यहां पर एक ही आंसर होगा पूरा क्लास गलत कर गया बी तीनों के तीनों सॉरी ग्रेटर देन जीरो है तीनों के तीनों डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा सब फंस गए आप लोग सब टोटल ठीक है बी इंडो नहीं है ठीक है सारे जो है सिर्फ ए आंसर होगा सिर्फ ए किसी का सही नहीं हुआ आपको सोचो आप अब कहोगे सर ये क्वेश्चन कहां से आया क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही है पीरियडिक का ही है ये ठीक है मैंने क्वेश्चन कहां से पूछा ठीक है बी एक्सोथर्मिक है यस मेटल है तो क्या हुआ इनकम्प्लीट ऑक् सबसे कोई डाउट कोई डाउट बच्चा किसी को कोई डाउट है इसमें आई एम राइट ठीक है सो ओनली इज द आंसर अच्छा अभिनंदन ने बहुत अच्छा आंसर किया ठीक है अब ये क्वेश्चन पता है आपके एनसीआर से प्रूफ देखना चाहोगे प्रूफ देखना चाहोगे इसको क्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो uh, मतलब एनर्जी रिलीज करता है और एच ठीक है नो चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये देखो नेचुरल रबर है मैंने आपको कहा था ना ये भी क्वेश्चन आ चुका है अब बताइए क्या होगा आंसर तो इसको मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूं इसको मैं होमवर्क देता हूं यूट्यूब पे और आप इसको आंसर डी समझा दीजिए बच्चा लोग देखो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है दिस इज वन एस वन ओके हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन है वन एस वन और ये इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाकर ये, ये अनकंप्लीट है इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब दोगे तो नॉर्मली एनर्जी रिलीज होगी जैसे होता है तीन केस है जहां एनर्जी देना पड़ता है जैसे एक है ग्रुप अठारह एक है ग्रुप टू ठीक है और एक है ग्रुप पंद्रह स्लाइटली हाफ फील्ड के कारण फुल्ली फील्ड ओके तीन केस है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आगे बढ़ते हैं ये बताइए Of the the following, which one is classified the polyester? Let's see. Can you believe this? तो उसको ज्यादा खुशी नहीं होगी बट अगर एग्जाम में गलत हो गया तो जिंदगी भर वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा कुछ देर पहले ही आपको मैंने क्वेश्चन करवाया है अभिनंदन बहुत पिटाई लगेगा बहुत पिटाई ठीक है प्लीज सेंड मी योर एड्रेस आई विल कम टू योर हाउस एंड आई विल टेक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड देन आई वी कैन पनिश यू ये गलत होगा भाई अभी तो पढ़ा कुछ देर पहले इतना भाषण दिया डेक्रोन डेक्रोन ओके okay, बताइए ठीक है डेक्रोन अभी पढ़ रहे थे ना रेक्रोन डेक्रोन टेरेलीन सब के सब क्या है अभिनंदन थोड़ा भावना में अब आ गया रैंडम एफे गेमिंग बेकेलाइट कहां चले गए टेरेलीन किसको कहा जाता है पॉलिस्टर को है पॉलिस्टर को देखो अभी तो आप नया नया पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके लाइफ में गलत होने लगे आप बहुत परेशान हो जाओगे आने वाले लाइफ में ठीक है तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िए ठीक है मेला माइंड सबका यूज बहुत खतरनाक है ठीक है बहुत खतरनाक अच्छा आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है सॉरी आर्टिफिशियल उल आर्टिफिशियल उल किसे कहा जाता है ठीक है कोई बता सकता है किसी को आइडिया है इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप कोई ब्रांडेड स्वेटर लेते हो ना ब्रांडेड स्वेटर्स अगर कोई बहुत अच्छे ब्रांड का है और उसमें भी वो बहुत सस्ता मिल रहा है कोई बड़ी ब्रांड का है और आपके स्वेटर्स अगर बहुत सस्ते मिल रहे हैं वो उलन हो ही नहीं सकता उलन बहुत कॉस्टली होता है ठीक है कोई बता सकता किसो है आर्टिफिशियल उलन किसे बोलते हैं मार्केट में जब भी आप स्वेटर्स खरीदते हो कोई बहुत बड़ी ब्रांड का स्वेटर है और उसका प्राइस बहुत कम है आई आई एश्योर यू एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री ओके आप कभी भी उल खरीद ही नहीं रहे हो एक किसी को पता है आर्टिफिशियल किसे कहते हैं ज्यादातर स्वेटर किसके बनते हैं किसी को पता है ये बात जो बहुत स्मूथ और बहुत स्लिपरी देखने में लगता है ठीक है जैसे आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है ना ना विशाल पोलिस्टर नहीं पोलिस्टर अलग चीज है ठीक है

उलन की बहुत सारी खूबी होती है मस्त खूबी बताओ ज्यादातर फाइबर को जब जलाओगे ना तो जलेगा उलन जलता नहीं है इसे बीड्स बनता है आग में जाएगा तुरंत यस विस्कोस को आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं और विस्कोस को क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क ओके सो so, बहुत बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट है क्योंकि आपको एक्चुअली होता क्या है जो चैप्टर इंडस्ट्रियल ग्रेड है उसको इस लेवल पर कम पढ़ा जाता है और पढ़ाया भी कम जाता है क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है जो खुद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है दूसरे को कैसे बता सकते हैं ठीक है बट अभी आपको लगता होगा पॉलिस्टर सबसे फर्जी टॉपिक है इसको लास्ट में पढ़ेंगे बिलीव मी जब आप नॉर्मल दुनिया में आओगे ना जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे आप डॉक्टर बन जाओगे ठीक है तब आपको पता चलेगा कि ज्यादातर दुनिया इनकी अच्छी है पता आपको ये ज्यादा परेशान करेंगे और आपको लगेगा इनकी दुनिया ज्यादा महान है क्योंकि आपको सारा पढ़ाई इन्हीं पर करना होगा ठीक है पॉलीमर सिंथेटिक दुनिया बहुत कमाल की है बहुत ही कमाल की है ठीक है और आप अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस आपको दिखाया नहीं जाता है ओके आपको मजा आ जाएगा आप हायर जब जोन में जाओगे तो इन्हीं की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी एक कैसे बनता है सर ये पॉलिस्टर होता है क्या नहीं नहीं पॉलिस्टर नहीं है सा, साफिया हमीद पॉलिस्टर देखो मैं ए, इंडियन एक्रेलिक से कंपनी है सो इन जब मैं पहले इंडस्ट्री में था तो आई वाज चेंज uh, कर रहा था तो इंडियन की सबसे बड़ी प्लाट नंबर वन ओके फॉर सर्च इट प्रिया गर्ग सी इज द ऑनर ओके सो इंडियन एक्रेलिक्स बहुत बड़ी कंपनी है भारत की ओके okay, पॉलिस्टर आपको बताऊंगा बहुत बहुत मजेदार असेंबली होती है एस्प्र, से ये गिरता है ठीक है और इसको पता है पूरे साल में मात्र एक से दो दिन के लिए फैक्ट्री बंद होती है ठीक है और ठीक है चलिए बताऊंगा बहुत अभी इसका टाइम नहीं है विच ऑफ फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चा एक मोनोमर अलग है ओके okay. विशाल बहुत अलग अलग कहानियां है इसकी ठीक है मतलब आ, अब मैं ये ये प्लेटफॉर्म उसके लिए सही नहीं है कभी पढ़ाते पढ़ाते आपको जरूर बताएंगे ठीक है विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रीन पॉलीमर ओके ए जॉब कहा छोड़ा जॉब में तो है ही ओके कुछ अपने ख्याल थे उसके लिए निकला बाहर ठीक है कुछ और किया फिर यहां आया ओके अब तो टीचिंग ही बहुत साल हो चुका है सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रीन

कि आप क्वेश्चन देख के डर जाओगे ठीक है आपको लगेगा यार मेरे को टेरिलीन नहीं आता लगेगा वो किसी बच्चे को लगेगा यार नाइलोन का स्ट्रक्चर नहीं आता ठीक है तो आप हर प्रॉब्लम हो जाएगा आप डर जाओगे कि यार मेरे से नहीं बनेगा थोड़ा ना कॉन्फिडेंस रखो एग्जाम इज ऑल अबाउट टेम्परामेंट ठीक है मान लो इन चारों में से एक ही ऐसा आंसर हो और वही सपोज आपको आता हो तो मान लो अभी नियोप्रीन आए डबल बॉन्ड के आगे अरे ये तो तीन कार्बन है यहां देखे ये तो दो ही कार्बन होता है वो पकड़ा गया चोर ठीक है आंसर क्या हो गया ए तो कई बार ना कई बार ओ, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक ही में आपने पकड़ लिया भले आपको का स्ट्रक्चर नहीं आता था और नाइलोन सिक्स सिक्स का इसके बावजूद आंसर आ गया कि नहीं देखो इसी को बाइसिंग बोलते हैं साइंस का और इसी को लक कई बार बोलते हैं और यही इस एग्जाम को कमजोर बनाता है मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनना एक बच्चा है वो आप कितना मेहनत कर रहा है एक बच्चा बाइलक सिर्फ उसको एक नियोप्रीन याद रह गया एग्जाम में ठीक है आपने बहुत मेहनत किया आपने टेरिलीन को भी याद कर लिया ठीक है आपने नाइलोन को भी याद कर लिया टेफलोन सभी को याद है ठीक है और एक बच्चा गलती से ए बस भूल गया ठीक है ओके अब दे, देखो ध्यान में अब एक बच्चा गया उसको नहीं कुछ पता बट बायलक नियोप्रीन ही सिर्फ आता था तो भी प्लस फोर मिल गया एक बच्चा इतना पढ़ा अब वो श्योर है अच्छा टेरिलिन तो ये होता है बिल्कुल सही है नाइलोन 66 ये होता है ये बिल्कुल सही है टेफ्लोन ये होता है बिल्कुल सही है उसने एलिमिनेट कर दिया आंसर ए ही होगा ओके आंसर ये ए ही होगा एक बच्चा को सिर्फ एक आता था फिर भी आंसर ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम की खराबी है इसीलिए बहुत बड़े लोग कई लोग इस एग्जामिनेशन सिस्टम को ही सही नहीं मानते ओके आप समझ रहे हो

जो इस एग्जामिनेशन को मेथड को सही नहीं मानते उनका अपना मेथड है तरीका एग्जाम लेने का तो ये बड़े लोग हैं ठीक है जो एग्जामिनेशन मेथडोलॉजी को ही चैलेंज कर लेते हैं तो आई दिल्ली में ऐसे हैं, जो अपने ए, स, अर, में आ, जो एग्जामिनेशन लेते हैं वो नॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं लेते तो आप भी जब अच्छे कॉलेज जाइएगा तो बड़े अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे ठीक है तो एग्जामिनेशन में एक मार्क्स इक्वल टू एक हजार विशाल कोई बात नहीं आई इस बार मेडिकल सीरियस होगा और क्वेश्चन काफी सब्जेक्टिव कुछ अच्छे लेवल पे लड़ा देगा ओके okay, विच ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग पॉलीमर ओके okay, क्या मैं बोलूं अब देखो आपको आता है थर्मोसेटिंग मतलब जिसको पिघला उघला कर नया नहीं बनाया जा सकता साफिया विशाल बताइए क्या होगा विशाल बहुत इजी है मतलब ये सब क्या बोलू इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ना सीख रहे हैं कि नहीं कि कैसे पढ़ा जाए एंडॉल बिल्कुल सही है मैं इसमें ज्यादा कौन सा फाइबर है जरा नाम बताइए तो सर नियोप्रीन और आइसोप्रीन क्या बने उसमें क्या होते हैं साफिया आप इतना अच्छा ओके okay. साफिया एक बार आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो एक बार आप यूट्यूब पे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना ठीक है एक बार देखिए देखो ऐसे तो किसी भी टॉपिक का यूज क्या है नाइलोन का क्या यूज है नाइलोन अच्छा इसमें एक देखिए तो पिछले क्वेश्चन में एक मजेदार घटना था ठीक है मोनोमर नाइलोन सिक्स देखो कितना कार्बन है इसमें चार में एक पांच और एक छिक्स कार्बन सिक्स कार्बन इसीलिए इसको नाइलोन सिक्स सिक्स कहा जाता है बिल्कुल सही है इसका आंसर होगा डी क्या आंसर होगा डी क्यों दिस इज बेकेलाइट क्या है बच्चा ये बेकेलाइट है ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पता है बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं ठीक है बच्चों और कुछ पूछना है ठीक है और कुछ अच्छा लगा आपसे बात करके ठीक है अगर कोई डाउट रहे या कुछ पूछना रहे तो आप आगे जरूर यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा या को, कोई टॉपिक आपको पढ़ने का बन रहे जस्ट लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंफ्यूजन है बैक बॉन्डिंग में कंफ्यूजन है ठीक है तो इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप प्लीज बता दिया कीजिएगा यूट्यूब पर आकर तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं इस टॉपिक को कंपाइल करके मैं बता बता दिया करूंगा ठीक है थ्योरी विद क्वेश्चन दोनों ठीक है तो बड़ा सर सात तो सौ दस प्लस एम्स दिल्ली होगा अभिनंदन हाँ आज के दौर में ये तो मतलब पूछना ही चाहिए क्योंकि आजकल मुझे अभी डेटा तो मैं भूल रहा हूँ क्योंकि इस इंस्टीट्यूट इस का रिजल्ट बहुत तगड़ा हुआ था इस बार मेडिकल में आपको पता ही है तो हमें सारा याद था कि इतने ऊपर कितने बच्चे थे तो हम लोग बोल भी रहे थे लगता है एम्स दिल्ली में मैक्सिमम परसेंटेज तो इसी इंस्टीट्यूट इस 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 के बच्चों का होगा ओके okay, तो मुझे अभी नंबर है, वो फिगर याद नहीं है कि 54 लोग थे इस नंबर पे सेवन टेन टू वन मुझे वैल्यू याद नहीं आ रहा है सेवन हंड्रेड के ऊपर कितने लोग थे ओके okay, नोट्स ओके okay, अभिनंदन मुखर्जी नोट्स बच्चा आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे ठीक है चलिए सो वंस अगेन अगर किसी बच्चे को भी आपके दोस्त हो या कोई भी जानकार हो इस इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स या मॉड्यूल्स किसी को भी परचेज करना हो इस कोड को अगर करके अगर आप लेते हैं तो ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए सो so, बच्चा लोग मिलते हैं अगले डिस्कशन में सर पॉलीमर पर डिटेल से वीडियो कब लाइएगा साफिया अभी आपसे दोस्ती हुई है केमिस्ट्री को लेकर तो इस केमिस्ट्री के डिस्कशन को हम और खूबसूरत बनाएंगे जल्दी ठीक है तो अभी आपको शेड्यूल मिल जाएगा आ, कल क्लास शायद है या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है हाँ है कल एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओके जो जनरली लोग छोड़ दिया करते हैं जैसे डुमाज मेथड जलडाल मेथड ठीक है तो कल एक मैं अच्छा इस पर ले रहा हूँ ठीक है सर यू आर नीट क्वेश्चन सेटर नहीं नहीं अभिनंदन ये कैसी बातें कर रहा हूँ मैं क्या झूठ बोलता रहूंगा मैं कोई नीट क्वेश्चन सेटर नहीं हूँ बच्चा ठीक है मैं एक्चुअली मैं एक टीचर हूं आपके लिए जेई नीट के लिए पढ़ाता हूं और मैं क्या करता हूं कि जो NCRT है मेरा अपना एक अपना बैकग्राउंड है जिसके कारण मैं क्या करता हूं कि जो लाइंस है उसको कितना रोटेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं उसको फ्रेम करता हूँ बस ये करता हूँ ठीक है जिससे बच्चे एनसीआर पढ़ के खुद क्वेश्चन फ्रेम करना सीख जाते हैं अगर किताबों के क्वेश्चन सिर्फ बनाओगे या किसी बुक के क्वेश्चंस बनाओगे तो वही सीखोगे जो राइटर सिखाना चाहता है बट खुद साइंस पढ़ के जो सीखोगे ना वो अलग चीज होती है तो एनालिटिकल स्किल डेवलप करना बहुत बड़ा काम 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 होता है 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 और टीचर का काम, question, है। टीचर का 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 क्वेश्चन आंसर बताना नहीं टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट कराना ताकि आप पढ़ने का सही तरीका सीखें ओके चलिए मुझसे दस क्वेश्चन सीखें बट खुद जोश जितना जागे कि आप जाकर खुद से बहुत ज्यादा पढ़ाई करें ठीक है गेमिंग विशाल अभिनंदन साफिया चलिए आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तो ये दोस्ती हम केमिस्ट्री के थ्रू अपनी और गहरी करेंगे मिलते हैं कल ऑर्गेनिक के एक बेहतरीन लेक्चर में एक बहुत यूनिक लेक्चर के साथ सी इन नेक्स्ट लेक्चर तब तक के लिए बाय सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और केमिस्ट्री पेपर मीडियम मीडियम में समझा नहीं अभिनंदन तो दोनों आता आप जो चाहेंगे ले सकते हैं ठीक है चलिए बच्चों लोग अगर आप चैनल पर नए हैं तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा बाय बच्चा लोग बाय